पता नहीं मैडम जी मेरे साथ खेलेंगी कि नहीं। मैं चली सर्फिंग करने। लेकिन सर्फिंग तो इंटरनेट पर होती है, इस किताब में तो कहीं कंप्यूटर नजर नहीं आ रहा मैडम जी। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समंदर में लहर नहीं, इनकी हरकतों में जान नहीं, ये कैसे बस्ती है जहाँ कोई मस्ती नहीं? अब मैं क्या करूँ? मरीना, अब तुम कुछ भी मत करो, जो करना है मैं करूँगा। यार ये क्या है? ये ब्रेड तो ज्यादा टेस्टी लगता है यार। ये तुमने क्या किया? मेरे सर्फिंग बोर्ड को काट दिया, मैं तुम्हारी बत्ती से तोड़ दूंगी। भाई तुम्हें कितनी बार बोला है मुंह और पर्स सोच समझ कर खोलने का? मैडम जी सर्फिंग में मुझे नहीं, मेडल मेरे पड़ोसी को मिला था। क्या कहा? आप नहीं समझोगे, आप देखो मैं ये सर्फिंग बोर्ड कैसे थूक लगा कर चिपकाता हूँ। शार्को, तुमने तो कमाल कर दिया। बोले तो शार्को बाजी मार गया और ये भाई अभी भी बत्तीसी के गम में पड़े। बोले तो इतने बड़े राजा को छोटे से त्रिशूल की क्या जरूरत? अरे भाई बंद करो अपने ये आयरन की दुकान। लो भाई बन गया तुम्हारा सर्फिंग बोर्ड। इतनी पढ़ाई स्कूल में की होती तो आज तुम कार्टून नहीं होते भाई। आज मुझे चूहा पार्टी में चीफ गेस्ट आए, मेरा त्रिशूल कहाँ गया? अब मुझे पुलिस बनना होगा। शार को है डर के दुकान, फिर भी खोना नहीं चाहता है अपनी शान, इसीलिए चैटिंग करके सर्फिंग से मुंह मोड़ रहा है। बुरा नहीं है, सालों बीत गए लेकिन इनका मेडिटेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना यार, अगर सर्फिंग करनी हो तो लहरों से दोस्ती करनी पड़ेगी यार। बड़ी बड़ी बात है और पानी में गिर जाके लूजर, लूजर। ये तो जीरो से हीरो बन गया। चुपचाप मेरा त्रिशूल वापस कर दो वरना मैं तुम्हें शर्को, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन जिग सर्किट। किसी को भी बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे मिलने नहीं देना यार। बोलो तो आपको हुकुम सर आगो पर। मैं आ रही हूँ जग। रुक जाओ, अंदर खतरा है। योकि जिंदगी का दूसरा नाम खतरा ही तो है। अच्छा तो पहला नाम क्या है मैडम जी? बिना बताए चली गई। मैडम जी कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। मोर के पंख लगा लेने से कोई मोर नहीं बन जाता, सर्फिंग बोर्ड पर खड़े रहने से कोई सर्फिंग चैंपियन नहीं बन जाता। कितना मजा आ रहा है। ए, मरीना तुम्हें खाकर मुझे बहुत मजा आएगा यार। ये सिख कभी नहीं सुधरेगा। ओए सिख, लगता है अब तुझे मेरे 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाना ही पड़ेगा। अब इंतजार खत्म हो गया यार। ये क्या हो रहा है? बचाओ। जिग, तुझे पता है कभी पूरी नहीं होगी तेरी जिद। इन दोनों का मैं क्या करूँ? ऐसे प्यार से लड़ने वाले दोस्त मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये कभी नहीं सुधरेंगे सच्ची। बरखोरदार हैंड्स अप। मैं भी करती हूँ। बोले तो इनकी लड़ाई देख के मैं बोर हो गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। एक अनार दो बीमार, कौन मारेगा बाजे? ओ मरीना, मैं खाऊंगा तुम्हें लगा के धनिया पुदीना। ओए सेक, मैडम जी को छोड़ गए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं यार, जा थोड़ी समंदर की सैर करके आ। आज मैं मरीना बर्गर खाऊंगा, वो भी मेयोनीज मार के। ये क्या हो रहा है? मैडम जी आप मेरी बाहों में सेफ हो। मैं तुम्हें देख लूंगा शार को। जिग, पहले खुद देख कर चलना सीख। तुमने कहीं मेरा त्रिशूल देखा है? बोले तो देखा है उनके पास। यहाँ सब अपने फैन है, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। मुझे डर लग रहा है। मैडम जी डरिए मत, डर के आगे मैं हूँ ना। ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं?
अब मैं कैसे समझाऊं? मैडम जी, क्यों ना हम... मैं जीत गया, मरीना मेरी हुई यार। इस एक ने नाक में दम कर रखा है, मुझे इसका दम निकालना ही पड़ेगा। गोल गोल रानी, शार्कों के चारों ओर पानी। ओए रुक जाओ, सिंह, ये तो क्या कर रहा है? ओए! बाल बाल बच गए। सारी बेकार की चीजें भर के रखी है। इसका मतलब सर्किट ने मुझे टोपी पहनाई और खुद टोपी पहन के भाग रहा है। बारखोरदार, बोले तो कैसे महाराज? अभी बताता हूँ। मुझसे जो टकराएगा वो पानी में मिल जाएगा यार। ओए सिंह, बंद कर अपना ड्रामा। ऐसे कैसे बंद करूँ यार, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। शार्कों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे ये सुनामी है, ये सुनामी का बड़ा भाई। शार्को, तेरा काम खत्म हो गया यार। चल, तुझे भेजता हूँ ऊपर और हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे यार। मेरा त्रिशूल लेकर मेरी ही बेटी को डरा रहा था। मैं तो उसे इंप्रेस कर रहा था। अब मैं तुझे डिप्रेशन में डालता हूँ। याद रखना, मेरे पास गलती के लिए माफी नहीं मिलेगी बारखोरदार। पापा, मुझे आपकी माफी नहीं, त्रिशूल चाहिए। मजा आ गया। मरीना के दिल में ही नहीं बल्कि समंदर में भी खुशी की लहर उठी है। अरे तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। बोले तो भाई अपनी लंबी छुट्टी के बाद वापस लौटेंगे। इसे कहते हैं सच्चे का बोलबाला और विलेन का मुंह फूला। बुरा नहीं है।